ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की हम लोग अगली सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं कुछ फाइनल कंपाउंड्स और उनके आईयूपीएसी नेम। आज ये लास्ट क्लास रहेगी, फिर एक वीडियो में हम लोग ये समझ लेंगे कोई कंपाउंड मतलब इस तरह कोई नेम लिखा है, आईयूपीएसी नेम लिखा है तो कंपाउंड कैसे लिखेंगे, इसका क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, इस पे बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें आज देख लेंगे। ओके, तो आईयूपीएसी नॉर्म में अब हम लोग देखेंगे भैया, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड, सब तरह के कंपाउंड देख लिए हमारे यहाँ कौन कौन सा है सिलेबस में, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे यहाँ, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एलोजन है और एल्कोहल्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कहा सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने बता दिया था, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फार्मूला हमारा क्या चलता था, पहले प्रीफिक्सेस लिखते थे, फिर वर्ड रूट लिखते थे, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना, ये सब याद है, हमें पढ़ रखा है, हम लोगों ने सब जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्टार्ट करें, पढ़ें। चलिए कुछ कंपाउंड देते हैं, आप लोग नाम लिखिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, पहले कुछ मोटे मोटे चीज़ें आपको क्लियर करूँ मैं। सिंगल बॉन्ड है, चेन है, तो ये समझ में आता है कि नाम कैसे लिखना है कैसे क्या नहीं। बेटा समझ ले, यहाँ लिखना तो लिख ही लेगा, दिक्कत नहीं है, पहले समझना जरूरी है। जो चीज़ मैं पहले आपको पहले क्लियर कर दूं ताकि बीच बीच कंपाउंड में आप कंफ्यूज ना हो। पहली चीज़, अगर मान लीजिए केवल एल्केन है, चेन केवल हमारा क्या है, एल्केन का है, एल्केन फैमिली की है हमारी पेरेंट चेन। ठीक है, अब ये है मान लो CH3, यहाँ लिखा है मान लो BR, यहाँ लिखा है हमारा F लिखा है, चलो ठीक। ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये प्रीफिक्सेस में आएंगे। हमने है कार्बन चेन की जब नंबरिंग करेंगे तो हम किधर से करेंगे ये बताओ, इसमें कार्बन चेन की जब नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे दोस्त, कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे, इधर से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 2, ये 3 हो गया, या 4 हो गया, ये क्या हो गया, 5 होगा। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब इस केस में क्या है जो हमें समझना है, ये देखो दोस्त, अब यहाँ पर अगर हम इधर से जा रहे हैं तो हमें किस किस पोजिशन पे देखो तुम्हारे ये मिल रहे हैं, इधर जा रहा हूँ तो थर्ड पोजीशन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, और कौन सी पोजीशन मिल रहा है, थर्ड पे मिल रहा है, और सॉरी इधर से आ रहे हैं तो थर्ड पे मिल रहा है, सेकंड पे, इधर से इधर को आ रहे हैं तो ये थर्ड पे मिल रहा है, और कौन सी मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन मिल रहा है। जब एल्केन फैमिली की चेन हो हमारी, मतलब केवल सिंगल बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो हमेशा लोवेस्ट सम का कॉन्सेप्ट जो हमने आपसे डिस्कस किया था, याद है लोवेस्ट सम का कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था, एक हमने बताया था लोवेस्ट सम, जो पोजीशंस आ रही हैं इनकी लोवेस्ट सम जिस डायरेक्शन में चलने पे मिल रहा होगा उधर से हम नंबरिंग को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इधर जो पोजीशन है इसका सम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ जो पोजीशन अगर इधर से इधर को आ रहा हूँ कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 5 है, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, गलत, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो अब जब इसका नाम लिखेंगे तो हम देखेंगे कितने कार्बन आइटम है हमारे पेरेंट चेन में, 5 है, लेकिन इससे पहले प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो लिखेंगे हम। क्या है, फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, लेकिन हमने कहा था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हर स्टेज में हम इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो ब्रोमो बी है, फ्लोरो एफ से आएगा तो ब्रोमो पहले आएगा, लेकिन जो पोजीशन होगी पोजीशन के लिए वो नंबर भी मेंशन करेंगे। तो नाम लिखेंगे इसका क्या होगा, जरा बताना, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, पढ़े ना हम लोग, बताइए यहाँ क्या होगा, 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो और 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर इसमें कहीं मान लीजिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसी चीज भी मिल गई, तो मान लीजिए यहीं कहीं पे क्या है, इसी किसी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली सिचुएशन मिल गई, तो अब यही मान लीजिए है, अब यहां हमने लिख दिया CH2, अब यहां हमने लिख दिया CH, फिर हमने लिख दिया CH, फिर हमने लिख दिया CH, फिर हमने लिख दिया CH, यहाँ फिर से वही है ब्रोमीन है, यहाँ क्या है मान लीजिए फ्लोरीन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्या अभी भी तरीका वही है या कुछ इसमें चेंजेस करेंगे, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4, ये क्या है 5 है, किधर से चलना ठीक रहेगा ये बताओ, ऐसा समझ में आ रहा है क्यों, जब सिंगल मान, अब ये एल्किन फैमिली की चेन हो गई हमारी, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब हमारे कौन कौन से, जैसे अल्कोहल है हमारा, एल्डिहाइड है, कीटोन, ये सब नहीं दिए हैं। लॉन्गेस्ट चेन तो हम ढूंढेंगे, लोवेस्ट सम का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, लेकिन तब जब चेन हमारा केवल और केवल एल्केन फैमिली का होगा। जब एल्कीन या एल्काइन फैमिली का आ जाएगा तो उस केस में हमें ये देखना है कि उस साइड से हमें जाना है जिस साइड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमें सबसे पहले मिलेगा। या लोवेस्ट पोजीशन पे मिलेगा। इधर से जानने पे डबल बॉन्ड हमें किस पोजीशन मिल जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। उधर से मैं आऊंगा तो डबल बॉन्ड हमें किस पोजीशन मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। हालांकि इधर से चलने पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे कौन सी पोजीशन पे हैं, थर्ड पोजीशन पे हैं और फोर्थ पोजीशन पे हैं। उधर से आऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे कौन सी पोजीशन पे हैं, सेकंड पोजीशन पे हैं और थर्ड पोजीशन पे हैं। इन दोनों का सम करूंगा तो 5 आएगा, इन दोनों का सम करूंगा पोजीशन का तो 7 आएगा। भले यहाँ सम करने पे नंबर ज्यादा आ रहा हो, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड को ही प्रायोरिटी देंगे। तो इस केस में हमारा तरीका कौन सा ठीक हो जाएगा, ये नीचे वाला तरीका ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे जरा बताएं, मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नाम क्या लिखेंगे इसका बताओ, बोलो क्या नाम लिखा जाए इसका, हाँ बोलो। कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीन है हमारा, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 ब्रोमो और 4 फ्लोरो और पेंट है। फर्स्ट पोजीशन पे है तो चाहे तो बस पेंटीन लिख दें या तो पेंट 1 क्या लिखेंगे, इन। फर्स्ट पोजीशन पे है तो नंबर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कह दिया। तो कोई पेंट 1 ई लिख सकता है या कोई डायरेक्ट क्या लिख सकता है, पेंटीन भी लिख सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा दोनों ठीक। आ रही है हमारी बात? तो मेरे कहने का मतलब जिधर से डबल बॉन्ड आपको ट्रिपल बॉन्ड अगर इस तरह से मिल गए, जब सब जहां सबसे पहले मिलेंगे, जिस डायरेक्शन सबसे पहले मिलेंगे, सबसे लोवेस्ट पोजीशन में मिलेंगे, उसी डायरेक्शन को प्रेफर करना है। भले आपका सब्स्टिट्यूएंट उस केस में बहुत लॉन्ग पोजीशन पे मिल रहे हैं या बड़े पोजीशन पे मिल रहे हो, डजंट मैटर। ये तब ध्यान रखना जब सब्स्टिट्यूएंट्स केवल दिए हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पहले तो ये समझ लो, अगर एल्काइन भी होता, मान लो ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो उसको भी पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे। कभी कभी कंपाउंड में क्या होगा कि डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। ये समझ में आया कि नहीं? पहले सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो इधर से देखेंगे लोवेस्ट पोजीशन, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद ये पोजीशन जहां भी आ रहे हैं वो समझ में आ रही है हमारी बात? तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब इसी के सिमिलर हम समझते हैं, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो क्या होगा। इसी सेम कंपाउंड में मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, जरा देखना। अगर इसी सेम कंपाउंड को मैंने ऐसे लिख दिया होता, समझना क्लियर रखना ये बात, अगर हमने ये लिख दिया होता, अब मान लो CH2, अब ये है मान लो CH, ये है CH, यहाँ भी हमने लिख दिया CH, और कितने कार्बन लिए थे हमने, 5, ठीक है, चलो CH2, और हमने लिख दिया यहाँ OH, और यहाँ भी लगा है हमारा क्या, ये है मान लो ब्रोमीन, ये है हमारा क्या है, क्लोरीन। अब इस केस में नाम क्या लिखोगे, सेम वही है, पीछे हमने कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रखा था, अब यहाँ हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किधर से नंबरिंग करें, फंक्शनल ग्रुप पर प्रायोरिटी देना, भले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे। फंक्शनल ग्रुप अगर आपको चेन में दिख गया तो प्रायोरिटी किसे देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है। अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, उस साइड से नंबरिंग करना है जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे मिल जाए। पहले भी मिल जाए तो मैटर है, इधर चलने पे फर्स्ट पोजीशन पे मिल जा रहा है 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। भले इधर चलने पे ये फर्स्ट 2, ये हो गया 3, हो गया 4, हो गया 5। अब यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, ये थर्ड 4, ये नहीं देखना है अपने को। फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो सब भूल जाना, सभी रूल का वायलेशन करना, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड को ही प्रेफर करना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पोजीशन पे और ये फोर्थ पोजीशन पे है। हम नाम क्या लिखेंगे इसका जरा बताओ, लिखेंगे क्या इसका, 3 ब्रोमो और बोलो 2 फ्लोरो और क्या है, पेंट। इस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, फोर्थ पोजीशन पे, पेंट 4 इन। इन का लास्ट वाला वेवल नहीं लिखेंगे क्योंकि आ जाएगा ना इसका, फर्स्ट पोजीशन पे है तुम्हारा क्या, बोलो भाई, ऑल होता है बेटा अल्कोहल का, ऑल फर्स्ट पोजीशन पे है। तो चाहे हम लिखें या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, यहां से इसके बाद चाहते हो तो आप डायरेक्ट ये लिख लेते या इसको लिख देते, 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंट 4 इनऑल। अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप आ गया तो चाहे वो पोजीशन लिखें चाहे ना लिखें, केवल 1 के लिए ही ये छूट है, बाकी किसी पोजीशन के लिए छूट। तो दोनों तरीके अपने क्या हो जाएंगे, ठीक है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? केवल डबल बॉन्ड दिया है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, केवल सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, फंक्शनल ग्रुप भी दिया है तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। बहुत क्लियर समझ के चलना, 1% का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मेरी बात समझ में आ गई? डन। अब यहां समझना है जो और इसके बाद जरूरी चीज है। अब यही मान लीजिए सेम चेन है अपने पास, हटाते से हटाते। अब जैसे मान लो ये है अगला, अब यहाँ समझिए जैसे हमने लिख दिया यहाँ CH2, अब ये है हमारा CH, ये है CH, यहाँ भी है CH, यहाँ है CH2 और यहाँ हमने लिख दिया CHO, यहाँ हमने लगा दिया फ्लोरीन को, यहाँ हमने लगा दिया ब्लोरोमीन को। अब ये सारी चीजें हैं। अब बताओ क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप ये है, बताओ नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट साइड से करें, कहाँ से करें, कहाँ लिखें वन पहले ये बताओ, CH2 पे लिखें कि CH पे लिखें, कहाँ लिखें? हाँ यही ध्यान रखना है दोस्त, यही रिमार्केबल पॉइंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन आ गया तो पेरेंट चेन में उस कार्बन को भी काउंट करेंगे। तो नंबरिंग अब यहां से करनी है अपने को 1 2 3 4 5 एंड व्हाट, यही क्लियर करना है अपने को। फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो वो कार्बन भी पेरेंट चेन में काउंट होगा। तो अब देखो क्या होगा, कितने कार्बन हो गए पेरेंट चेन में हमारे, 6 हो गए, वर्ड रूट में 6 आएंगे, एक्स हो जाएगा। कौन सी पोजीशन पे हमारा फ्लोरीन है, थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ, और डबल बॉन्ड हमारा नाम क्या हो गया इसका बताओ जरा, बोलो नाम हो जाएगा इसका 4 ब्रोमो 3 फ्लोरो और क्या होगा एक्स, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है इन 5, इन 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या है अल, इन 1 क्या हो जाएगा अल। यहाँ में क्या क्या दें, बस इनल लिख देंगे, एनल लिख देंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही अल आ रहा है मतलब CHO है तो उसको 1 लिखें या एनल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई बच्चा क्या लिख सकता था इसको, 4 ब्रोमो 3 फ्लोरो X 5 इन। ये समझ में आया कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप भी अगर जो भी है उसमें कार्बन आइटम आ गया तो उस कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट। बहुत क्लियर रखो, इसलिए सबका अलग अलग एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा आ जाओ टाइम से, अब फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं कि वहीं आए, कहीं और भी तो आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ मैं, मान लीजिए हमने लिख दिया CH2 या CH3 लिख दिया, हमने CH2 लिख दिया। अब ये है CH, यहाँ है CH2, यहाँ है CH, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या है CH3 है। कुछ कंपाउंड्स अटैच कर देते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ रख दिया हमने CHO, यहाँ हमने लिख दिया CHO, और यहाँ हमने लिख दिया चलो क्लोरीन लिख दिया। अब बताओ अब कैसे किया जाए, अब नंबरिंग किधर से किया जाए और कैसे किया जाए बताएं, किधर से करें बताओ, यहाँ से चले यहाँ चले बोलो। मतलब आप कह रहे हैं नंबरिंग हम ये करें 1 2 3 4 5 6 ये कर रहे हैं, या इधर से चलें 1 2 3 4 5 6 ये करें, क्या पढ़े हैं आप मुझे बताएं कौन सा सही है भैया। ऊपर वाला तो सही होता है बेटा, ऊपर वाला कभी गलत थोड़ी होता है, ऊपर वाला तो हमेशा ही सही है, वो रचयिता है। तुम बताओ इसमें कौन सा सही, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हाँ लेफ्ट टू राइट क्यों चलेंगे, ये समझना है। दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही क्या हैं गलत हैं। जब फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन आइटम है हमेशा उस चेन को प्रेफर करना जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन आइटम आ जाए, चाहे भले वो चेन तुम्हारी छोटी हो। फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन आइटम है तो पेरेंट चेन में उस कार्बन को भी कंसीडर करना है, भले हमारी चेन क्या हो जाए छोटी हो जाए। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इधर से इधर को मूव करूंगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4। लेकिन मैं अगर इधर से इधर को मूव करूंगा तो 1 2 ये क्या हो गया हमारा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो गया 5। तो हमें किधर से किधर को जाना चाहिए, इधर से निकल के कहाँ होना चाहिए या ये जाना चाहिए। लेकिन इस चेन में हमें कितने मिल रहे हैं 5 कार्बन, जबकि इसमें कितने मिल रहे थे 6, कितने मिल रहे थे 6। हमने कहा भले नंबर ऑफ कार्बन आइटम पेरेंट चेन में कम ही मिले, लेकिन हमें उसी चेन को प्रेफर करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आइटम। इस कॉन्स्टिट्यूएंट क्लैरिटी जरूरी है, रट के चले जाओगे नाम गलत लिख के आओगे बेटा। तो बुक से पढ़ोगे या तो बताया होगा, लेकिन सही चीज़ समझो पहले है क्या एग्जैक्टली। हर चीज़ बुक में क्लियर नहीं लिखा रहेगा ना, कुछ चीज़ें तो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, तो ये चीज़ आएगा। अब नाम लिखेंगे तो क्या होगा, अब ये देखो थर्ड, इसके सेकंड पोजीशन पे ये वाला, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये CS3 CS2 के एक साथ लिखेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया आपका C2H5, अब ये एथिल हो गया। इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे हमारा एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर क्या है, फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्लोरो जुड़ा हुआ है। नाम लिखेंगे तो क्या होगा जरा बताओ, प्रेफिक्सेस में आएंगे तुम्हारे, सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आएंगे बताओ जरा। एथिल ई से स्टार्ट होगा, क्लोरो किससे, 5 से, तो क्या लिखेंगे इसको हम 5 क्लोरो, और किस पोजीशन पे एथिल ग्रुप है, 4 है ना, सॉरी फोर्थ क्लोरो है, 4 क्लोरो और 4 क्लोरो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा, एथिल ग्रुप है, तो 2 एथिल। और 10 में कितने हैं जरा बताना, 5 हैं, तो क्या लिखे हम, पेंट लिखे, पेंटेन लिखना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एल्केन फैमिली का है। क्या लिखेंगे, हाँ पेंटेन। फिर ये क्या होगा, अल लिख दें, चाहे पेंटेनल लिख दें या 1 अल लिख देते, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा। अब ये नाम हमारा ठीक होगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमने कहा था फाइनल शॉर्ट बताएंगे तो आपको सब डिफरेंशिएट करके बताएंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। लेकिन अगर यही फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन होता तो, चलो मैं हटाऊँ इसको, इसको लिखोगे आप लोग, ये जरूरी है, एकदम टू द पॉइंट जानो, स्पेसिफिक जानो, नहीं ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाओगे, सब काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा। ठीक है चलो ठीक, अभी मैं पीएनजी दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, आराम से लिखना आपने, समझ में आया। अब जैसे मान लो इसी में कीटोन होता तो हमारा एक अलग लेते हैं, जैसे मान लो कीटोन है, CH3 है, ये हो गया C हमारा, ये है O, अब यहाँ मान लेते हैं क्या है हमारा CH2 है, ये भी क्या है CH2 है, अब यहाँ है CH3। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, आपको लग रहा होगा, अब नंबरिंग कहाँ से करें, अब लग रहा होगा सर या क्या यहाँ कार्बन से करें, कहाँ से करेंगे, अब हम पूरा लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, लेकिन उस डायरेक्शन से जाएंगे जिधर ये वाला कार्बन कीटोन वाला सबसे पहले मिल जाएगा। अब ये नहीं कि हमने बता दिया फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वहीं से नंबरिंग करना है, जब कीटोन आ जाएगा तो उसको क्या करना, उस साइड से करना जहां से कीटोन वाला कार्बन सबसे पहले मिल जाएगा। बहुत क्लियर रखना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, हम लेफ्ट से चलेंगे, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 5। सेकेंड पोजिशन पे हमारा है कीटोन का कार्बन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5 से क्या होगा पेंट, पेंटेन लिखे क्योंकि एल्केन फैमिली का है चेन। फिर किस पोजीशन पे हमारा है कीटोन, सेकेंड, तो 2 तो पेंटेन 2O या 2 पेंटेनोन लिख सकते हैं इसको, हमने कहा एक ही है तो इसको क्या लिख देंगे 2 पेंटे। अब कीटोन है तो ये ध्यान, बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है हमारी बात, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ये दोनों चीज कार्बन एटम को लेकर जो कंफ्यूजन होता है पहले ये देखो, कभी कहते हैं कंसीडर करो, कभी कहते हैं कंसीडर ना करो, तो कब कंसीडर करना है कब नहीं करना है, क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। कब पेरेंट चेन में कार्बन को कहाँ से कंसीडर करना है, कैसे नंबरिंग करना है, ये समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिया रहेगा तो कैसे करते ये समझना। अब जैसे आ जाओ, अब आया है तुम्हारे में ऐसे, अब जैसे हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH है मान लो, ठीक है, और यहाँ है C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ हमने लिख दिया CH2, और यहाँ मान लेते हैं हमारा है CH2, नहीं लिखेंगे इसको, लिखते हैं CH, और यहाँ लिखो HO, और यहाँ हमने लिख दिया मान लो ब्रोमीन लिख दिया, बहुत लिख दिया, इसमें डबल बॉन्ड भी हैं ट्रिपल बॉन्ड भी हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप का बना दिया हमने। अब ये तो बहुत क्लियर है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो सब भूल जाना है, फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है तो किसको ध्यान में रखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रीफिक्सेस को देखेंगे कि इधर सबसे पहले मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो भूल जाओ सबको कहाँ मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को ही साइड को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो नंबरिंग इधर से करनी है अपनी को, ये क्लियर है, इधर से करेंगे तो क्या हो गया ये 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7। नाम क्या हो गया इसका जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या होगा जल्दी से बता दीजिए हमें, हाँ बोलो भाई, तुम्हारा नाम लिख लेते हैं हम, चलो ये बोल रहे हैं भैया देखो नाम 2 ब्रोमो और क्या हेप्ट और 6 इन 5 और और 4-5 आइन होगा, 4 आइन होगा और 1 या अल सीधा रख देंगे। तो कहाँ कहाँ है देखो, ये सेकेंड पोजीशन पे हमारा आ रहा है, ये फोर्थ पोजीशन पे ये है और सिक्स पोजीशन पे ये है। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में ई वाई से पहले आता है इसलिए इन पहले लिखेंगे, वाई आयन बाद में लिखेंगे, आप जानते हैं अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखना है हर स्टेज में, हमने पहले बताया आपको। तो टू ब्रोमो हेप्ट 6 पोजीशन पे है ना इन हमारा, 6 इन, और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आयन, फिर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा 1 अल, या फिर सीधे लिख देता वाई एन एल। तो बात क्लियर हो रही है, कब प्रियोरिटी देनी है कब प्रियोरिटी नहीं देनी है, समझ में आ रही है बात हमारी, ठीक है ना। एकदम क्लियर रखना, एकदम स्पष्ट, एकदम टू द पॉइंट। इसमें कंफ्यूज हो गए सब लोचा हो जाएगा, तो मतलब सब गड़बड़ हो जाएंगी, चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। क्या क्लियरटी आई थोड़ी बहुत कि कब लेना है कब नहीं लेना है, कब करना है कब नहीं करना है, एकदम स्पेसिफिक, समझ, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन रखिए, कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं कि ऐसा होगा ऐसा क्या, कब हो सकता है कब नहीं, एकदम क्लियर रखना। डन, आगे बढ़े। चलिए, इसके पहले की क्लासेस में जो भी हमने आपको बताया, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा सारी चीजें आपको, एफएमसीसी वाली केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सब बना के रखा है हमने, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, सब पढ़ा है, सब जानते हैं वाली बात, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया, ठीक है। अभी फाइनल कंपाउंड लिखते हैं, आप लोग मुझे नाम बताना फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हालांकि तुम्हारे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है फिर भी हमने दे दिया, चलो बताओ। नाम बताइए आप लोग, मैं एक दूसरा कंपाउंड लिख रहा हूँ। चलो बताइए दोनों कंपाउंड के क्या नाम होंगे, जल्दी से बताइए फटाफट, 2 मिनट है आप लोगों के पास, 1 मिनट पहले वाले के लिए 1 मिनट दूसरे वाले, जल्दी से बताएं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताएं। अगर आप ये बता दे रहे हैं तो आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के सिकंदर हैं, मतलब आपको कोई नहीं हरा पाएगा, कोई क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला नहीं है। ये सबसे 10th स्टैंडर्ड के टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टफनेस नहीं रहने वाली है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो मिस्टर हर्ष, असिस्टेंट स्टैंडर्ड में इससे ज़्यादा टफ क्या ही आएगा, बहुत टफ बता दिया, तो आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा उसको, है ना। नहीं, अभी तो 11th स्टैंडर्ड की जो चीज़ें हो जाती हैं, 10th स्टैंडर्ड की बात। जल्दी भाई बताओ बताओ बताओ, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने, बस मैं ये देखना चाहता हूँ आप लोग सही लिख लेते हो या नहीं, ये बताओ। नंबरिंग मैं कर देता हूँ, आप लोगों ने किया ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ गुड़िया। हाँ पहले वाले का नाम बताओ। हाँ बोलो क्या है। ऑक्ट 4 इन 7 आइन ओइक एसिड। पोजीशन नहीं बताओगी इसकी, सिर्फ ओइक एसिड करें। हाँ कौन सी पोजीशन है, पोजीशन बताओगी। अगर पोजीशन नहीं बता रही इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। क्या कह रहे। हाँ बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। तुम तो कर लोगे हीरो। सेंस करते हो तुम, बाकी तुमने ठीक लिखा है। सुपीरियर हो बेटा, तुम सुपरमैन बन चुके हो। अभी तो तुम लोग को इतना कुछ बता दिए तब जाकर सारी चीज़ें हो रही है ना। ये तो बच्चे अभी सीख ही रहे हैं। तुम लोगों को तो बहुत कुछ बता दिया हमने, बहुत डीप में बता दिया। अभी तो कार्बन आउटर नहीं काउंट कर पा रहा है। कल देखिए कैसी गलती कर दे रहे थे, टू ऑल कर रहे थे। फिर हमने बताया कार्बन आइटम को कैसे कंसीडर करना है फंक्शनल ग्रुप का। एकदम क्लियरिटी स्पेसिफिक, वही नहीं बता रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, सब वही जानते हैं कि लेकर चल रही है। हाँ बेटा बता। हाँ बोलो। एक मिनट। 2 मेथिल ऑक्ट 4 इन 7 आइन ओइक एसिड। 1 ओइक या सिर्फ 3 ओइक कर दे है ना। 1 ओइक एसिड। अब आई ना बात। कहाँ से स्टार्ट की नंबरिंग, फिर यहाँ से। ना ही इधर से जाएंगे ना ही इधर से, ये दोनों ही सही नहीं है। किधर जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमें लेना है। हालांकि यहाँ दोनों में सेम ही मिल रहा है, लेकिन कम भी मिलता तब भी हमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ ही जाना था। भूल गए क्या, अभी बताया हमने। तो हम किधर चलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बेटा। तुम लोग इस तरह का प्रैक्टिस नहीं किया हो इसीलिए परेशान हो रहे हो, लेकिन ये सब जानना जरूरी है। जब हाई लेवल के क्वेश्चन हम कर लेंगे तो छोटे मोटे अपने आप ही क्या हो जाएंगे। समझा है मेरी बात। तो अब देखो, अब ये सेकंड पोजीशन पे हमारा आ गया क्या, मेथिल ग्रुप तुम्हारा। इसलिए बोलेंगे इसको क्या, 2 मेथिल। चेन तो हमारी ये जा रही है ना, तो 2 मेथिल और क्या हो गया, कितने कार्बन है, 8 कार्बन। तो ऑक्ट कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है हमारा, बताओ। 4th पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड 4 आइन। 7th पोजीशन पे हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है 7 आइन। और फर्स्ट पोजीशन पे ये ओइक है, तो चाहे 1 ओइक कर दें या सिर्फ यहीं से क्या कर देते, ओइक है गुड़िया। ये सही होगा। आप दूसरे का नाम बताओ। चलो दूसरे का बताओ। चलो 8 फ्लोरो 9 नाइट्रो टेक 5 इन 2 आइन 6। देख रहे कितना बड़ा नाम है, एकदम मेरा सेंटेंस बन जा रहा है। हमने कहा ना सब हाई लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे तो छोटे मोटे अपने आप ही। तुम बताओ छोरा कौन सा। नहीं तो यही तो ठीक है, आपने यही लिखा था, नीचे वाला यही लिखा है। कितने किधर से नंबरिंग किया हमने, उधर से किया इधर से। इधर से जाते थे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन हो गए। इधर को जाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों तरफ 10 ही मिल रहे हैं, वही चेन है हमारी। लेकिन इधर से जाने पे हमने कहा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है जिधर से पहले मिलेगा उधर प्रेफर करेंगे। इधर से जाने पे पहले मिल रहा है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट टू, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा ठीक होगा। ये क्या होगा, अगर ये वाला डायरेक्शन ठीक होगा तो जरा बताना आप। तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है हमारा ओन वाला, ये तुम्हारा कीटोन का कार्बन 5th पोजीशन पे। और किधर है हमारा नाइट्रो, बताना जरा कौन सी पोजीशन पे है नाइट्रो हमारा। नाइट्रो उधर से जा रहा हूं तो 2nd पोजीशन पे है। फ्लोरो हमारा कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। और डबल बॉन्ड भी हमारा कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे। और ट्रिपल बॉन्ड हमारी कौन सी पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पे। तो सही नाम क्या हो जाएगा इसका जरा बताना। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, कौन कौन से है हमारा। फ्लोरो है कौन सी पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे 3 फ्लोरो। कौन सी पोजीशन पे नाइट्रो है हमारा, 2nd 2 नाइट्रो। कितने कार्बन है पहले ये देखो, 10 है तो डेक कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, उसी कार्बन पे ही डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे 5 इन हुआ। और यहाँ देखो यहाँ 5 बॉन्ड बन गए हैं, यहाँ 5 बन गए हैं, इसको ठीक करो, 5 कार्बन के साथ हो गया है ना, इसको ना यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, ठीक है अभी सही है, एक कार्बन यहाँ का हटा दो है ना, ये तो 5 हो जाएगा ना वो, अभी ठीक है देखो 3 1 4 हाँ ठीक है। अब यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड कहाँ मिल गया, ये 6 पोजीशन पे, तो क्या हो गया 6, क्या हो जाएगा 6 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है 8 आइन, कौन सी पोजीशन पे कीटोन का कार्बन है 5th पोजीशन पे है, तो क्या लिखोगे इसको आप 5, आगे लिखेंगे 5 ओन, ये हो जाएगा हमारा पूरा नाम। अजन अंदाज किया, हमने कहा था ना जिधर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पहले मिलेगा वही वाली साइड प्रेफर कर रही है, तो ना गलती नहीं कर रही है, समझ के चलो, बहुत डिटेल में बता दे रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम का क्वेश्चन तुम लोग को हलवा लगेगा, मतलब आसान सा, नहीं तो फिर पढ़े तो बहुत कुछ हो, आता भी बहुत कुछ है और दुनिया में अपने मस्त रहते हो, जब कोई क्या ही पढ़ा देगा, ये समझ लो यही पढ़ा देगा, तब जाना जरूरी होता है, समझ गए आप लोग, ठीक है नोट करो इसको, नोट किया। फाइनल अगला कंपाउंड देखिए कुछ नया देखा जाए, देख लिए दोस्त आगे बढ़े, समझ गए ना क्या करना है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बनना है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है सब यही है, ठीक है आगे बात करें, अब आ जाओ। अब मान लेते हैं कभी कभी ऐसे दिया रहेगा, एक ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए दिया है CH3, यहाँ दिया है CH, CH2, CH डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ है H, अब मान लेते हैं यहाँ C है ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, और यहाँ हमने लिख दिया क्या, मान लीजिए लिख दिया हमने, चलिए HO, और यहाँ हमने लगा दिया C2H5। चलो अब बताओ, यहाँ बताओ इसका जल्दी फाइनल, इसका नाम आपने ठीक बता दिया, इसका मतलब आप समझ गए हैं, नहीं बता पाए हैं तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और क्वेश्चन मैं भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ओके देखो जल्दी। तुम लोग भी बताओ क्या होगा इसका नाम, बताइए इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताएं। लिख लेते हैं, बताओ तुम्हारा 3 मेथिल, और हाँ और एल्डिहाइड का एल, 1 एल, यही ठीक है, ये तुम सही करो, मेरी तुम खेल रहे हो क्या, हाँ बोलो भाई आप, 8 मेथिल, हाँ हाँ ठीक है चलो मान ली, गलत मान लिया मैंने, 8 मेथिल एक, इन 3 आइन, हाँ बताओ गुड़िया नीचे वाला ठीक है, कैसे समझा इसको बताओ, ये ठीक है, कितने कार्बन हैं, फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो वजह से ही नंबरिंग करनी है, नंबरिंग इधर से करेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से जाएंगे तो 9 ही मिलेगा, लेकिन नीचे आएंगे तो 9 10, 2 कार्बन है ना यहाँ पर, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ मिलेगी, भी सतर्क रहना, अभी ब्रांचिंग रहेगी ना एंड में ना, तो उसको एक्सपेंड करके देखना है। मैंने इसके पहले बताया भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 10 चलेंगे, इधर जाएंगे तो हमें 2 मिलेंगे, क्योंकि C2H5 का मतलब क्या है, इसको हम लिखेंगे C2CH2 और CH3। तो 2 कार्बन इधर से मिलेंगे, उधर एक ही मिलेगा, तो वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी ना। इसका मतलब इधर से जाएंगे तो क्या होगा, 9th पोजीशन पे हमारा क्या आएगा, देख बेटा कौन कौन सी पोजीशन पे हो गया हमारा। ये नीचे आएंगे तो 2 नीचे जाएंगे हमारे। 8th पोजीशन पे क्या आएगा तुम्हारा, CH3 आया। कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, 3rd पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और 5th पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है। तो क्या लिखेंगे उसको, 8 मेथिल और 10 कार्बन है। तो डेक कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है हमारा, 5th पोजीशन है, तो 5 इन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 3rd है, तो 3 आइन। 1st पोजीशन पे क्या गया CHO, तो हमारा क्या हो गया 1 अल कह देंगे, या सिर्फ यहाँ पर YNL कह देते, ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। इतने ही लेवल की प्रैक्टिस तुम्हें करनी थी, समझ गए। कुछ झटका टाइप का दे दें, जैसे कि आपको इसके बाद 11th में जब कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यूएशन में क्या पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं। इसके बाद भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में बहुत कुछ पढ़ने को है, अभी सिर्फ इतना नहीं, 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं, झलक दे देते हैं, ताकि वहाँ आपको चीज़ें फिर लगे कि हाँ आप इसके आगे और भी कुछ पढ़ना है। जैसे नेम लिखता हूँ कुछ, देखिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, CH3 है, CH2 है, CH है, अब यहाँ हमने लिख दिया है और CH है, और यहाँ पर है मान लेते हैं HO है, यहाँ है OH, यहाँ है मान लेते हैं हमारा क्या CH3 है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, और यह हो सकता है कुछ ऐसे कंपाउंड हो जैसे CH3H, ये हैं CH2 और CH2, और है ये मान लेते हैं CH और COOH है, और यहाँ भी OH है और यहाँ पे भी हमने लगा दिया क्या है, एक OH है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। हम आपको पहले से वार्न इसलिए कह रहे हैं कि ये सब कचड़ा भी दिमाग में नहीं रखना है। 11th स्टैंडर्ड में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे। या मान लो कुछ ऐसे कंपाउंड दिए हैं, कहीं सपोज करिए इस तरह का दिया है। कभी कभी ये होता है ना कि जितना पाए उतना पढ़ लें, क्या क्या नहीं पढ़ना है पहले ये भी जानते रहो। बॉक्सी है, जहाँ मैंने कहा था ऑक्सीजन है, बॉक्सी है ऑक्सीजन के लिए, मैंने कहा था सब्स्टिट्यूएंट्स में जाएगा, प्रीफिक्स में केवल ऑक्सीजन होगा, बॉक्सी का ना। मैंने PDF देखना था, 10th स्टैंडर्ड का नहीं है, गोल गोल मत घूमना। अब इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहीं से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इतना कचरा मिल रहा है तो उसको किनारे कर देना। अभी ये काम कहाँ नहीं है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस तरह के जहाँ 2-2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, या फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, या क्या है तुम्हारा इस तरह से, अभी ये सब कचरा अपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, इस तरह का दे दिया है, तो ये सब अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपने को। समझ रहे हैं हमारी बात। ये सब चीज़ें हमको और अगली क्लासेस में जो भी आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हैं हमारी बात, ठीक है डन भैया। अभी एक ही है फंक्शनल ग्रुप, एक से ज़्यादा फंक्शन वाले ग्रुप की क्लासेस अगले जो होंगे अपने उसमें पढ़ोगे आप। डन, ठीक है भैया, इतना ही समझना था। फिर बाकी कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भेज देंगे, प्रैक्टिस कर लेना, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। पहले 2 लेक्चर्स हमने कर दिए, एक आज कर दिया, ये फाइनल है। बोर्ड के क्वेश्चन कहोगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो बोर्ड के क्वेश्चन हम आपको एक बार करा देंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे लिखोगे, क्या करते। ओके, ठीक है भैया।